मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार सुबह केदारनाथ पहुंचे। बाबा केदार के दर्शन के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार केदारनाथ पहुंचे हैं। हेलीपैड पर देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन समेत तीर्थ पुरोहित ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी की घटना और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर देहरादून में कांग्रेसियों ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के बाद कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के नेतृत्व में SSP कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 108 कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें बाद में निजी मुचलकों पर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्धता से हो, इसके लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाकर कर्मचारी, मजदूर और किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है। सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर सरकार शीघ्र अमल करे। कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर विचार नहीं कर रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन एवं आबकारी मंत्री यशपाल आर्य के साथ परिवहन एवं आबकारी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम को घाटे से उबारने तथा लाभ की स्थिति में लाए जाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। आबकारी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब की तस्करी और कच्ची शराब पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालयों में उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने भेंट की एवं अपनी समस्याओं से संबंधित विषयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनकी मांगों के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान हड़ताल से नहीं बल्कि वार्ता से भी संभव है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट से मंगलवार को चारधाम यात्रा तीर्थ यात्रियों के प्रवेश का आदेश जारी होने के बाद शासन ने चारधाम यात्रा की SOP जारी कर दी। इसके तहत अब चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ई पास की जरूरत नहीं होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को केवल देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। 21वीं सदी में जहां देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री डिजिटल इंडिया की घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, ऐसे में पिथौरागढ़ जिले के गांव बिजानी में अभी तक दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस गांव ने कई सैनिक, कई शिक्षक एवं कई अफसर देश की सेवा के लिए दिए हैं, परंतु यह गाँव अभी भी नेटवर्क जैसी बेसिक सुविधा से वंचित है। कोरोना काल में इस गाँव के बच्चे नेटवर्क न होने के कारण शिक्षा से भी वंचित रहे। हमारे गाँव में किसी भी कंपनी का कोई भी नेटवर्क नहीं है आज के दिन, तो इसीलिए मैं 4-5 सालों से लगातार इसमें प्रयास करते आ रहा हूं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। मैंने कई बार न्यूज़पेपरों में, अमर उजाला, दैनिक जागरण में इसको प्रकाशित किया है और शासन प्रशासन से बार बार मैंने आग्रह किया है कि हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है तो एक टावर स्थापित किया जाए, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ही ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नज़ारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।